एक बार एक बालक विद्या अध्ययन करके घर आया, माँ ने अपने बेटे को हृदय से लगाया, मेरे लाडले लाल तू पढ़कर आया, बड़ी खुशी की बात, आज मैं तुझे अपने हाथ से जलपान कराऊंगी, स्वल्पाहार कराऊंगी, एक तस्तरी में दो लड्डू रखे, बेटा ये लड्डू खा ले मैं खुश हो जाऊं। बेटा बोला माँ लड्डू बाद में खाऊंगा, पहले विद्या का चमत्कार देख, मैंने क्या विद्या पढ़ी, क्या विद्या का जो नहीं हो उसे सिद्ध कर दूं, असंभव को संभव सिद्ध कर दूं, ये विद्या का चमत्कार है, तर्क की शक्ति है। माँ बोली तेरी ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, तू तो जलपान कर। बेटा बोला बाद में। माँ बोली तो क्या करेगा, कब माँ तू ये बता ये तस्तरी में कितने लड्डू रखे हैं। माँ बोली दो। बेटा बोला तीन। ये तीन तो दिख ही नहीं रहे, अभी दिखेगा, अभी मैं सिद्ध कर दूं कि तीन है। माँ हंसकर बोली दो लड्डुओं को तीन कैसे सिद्ध करेगा। बेटा बोला आप गिनो तो। अब माँ ने गिनना शुरू किया, एक लड्डू पे हाथ रखा एक, बेटा बोला ठीक, अब दूसरे लड्डू पे हाथ रखा तो दो, बेटा तुरंत बोला दो और एक तीन। अब आप किधर से भी गिनो, माँ इधर से गिने एक का ठीक, इधर दो, बेटा तुरंत कहे दो और एक तीन, इधर से गिने एक उधर दो, बेटा तुरंत कहे दो और एक तीन। और यह तो गणित का सिद्धांत है, जहां दो और एक इकट्ठे वो तीन, तो ये तो तीन है। मां ने कहा कि बेटा तेरे तर्क का उत्तर तो मैं नहीं दे सकती, पर लड्डू दो ही हैं। बेटा बोला ऐसे थोड़ी सिद्ध करो, मां बोली तू जीत गया मैं हार गई। बेटा बड़ा खुश हुआ, इसको विद्वता कहते हैं, इसको विद्या कहते हैं। पर उसका पिता पास में ही बैठा था, वो भी तो उसी का पिता था, उसने कहा वाह बेटे क्या कमाल किया है, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि लड्डू तीन है, तेरी मां तो बिना पढ़ी लिखी सरल है, पर मैं देख रहा हूं लड्डू तीन है। अब एक काम कर, तू जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है, लड्डू तो तीन ही है, अब एक काम कर, क्या एक लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तू खा ले। प्रश्न यह है कि तर्क भले ही जीत गया हो पर मिला क्या, क्या तर्क के जीतने से सत्य की उपलब्धि हो जाएगी। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और श्रुतियो विभिन्ना, सुनी हुई बातें अलग अलग तरह की हैं, किसको एक माने, किस एक को स्वीकार करें। और जो ऋषि हैं उनके मत इतने हैं कि किसका मत प्रमाणित हो जिसको स्वीकार करें, यह भी कठिन। धर्म का तत्व छिपा हुआ है, फिर आदमी करे क्या। श्री युधिष्ठिर जी ने यक्ष को उत्तर दिया था, महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलना, महापुरुषों का अनुकरण करना, यही पंथ है, यही पथ है। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। पीछे भी चलें, किसके पीछे चलें, श्री हनुमंत कथा हमें संदेश।